मैं राकेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर। आज द्वितीय वर्ष यांत्रिकी के विद्यार्थियों के लिए बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ड्राइव लाइन में यूनिवर्सल जॉइंट और प्रोपेलर शाफ्ट का अध्ययन करवाऊंगा। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ गियर बॉक्स, देयर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग का अध्ययन किया था। गियर बॉक्स की मेन शाफ्ट से जो आउटपुट पावर मिलती है, उस पावर को ड्राइव व्हील तक पहुंचाने के लिए जो डिफरेंट सिस्टम्स लगे होते हैं, उसी को फाइनल ड्राइव या ड्राइव लाइन कहते हैं। गियर बॉक्स के बाद जो ड्राइव लाइन का मुख्य पार्ट होते हैं वो है यूनिवर्सल जॉइंट और प्रोपेलर शाफ्ट। कुछ लेखकों ने प्रोपेलर शाफ्ट का भाग ही यूनिवर्सल जॉइंट को माना है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रोपेलर शाफ्ट के तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला, खुद प्रोपेलर शाफ्ट। ये प्रोपेलर शाफ्ट क्योंकि रोटरी मोशन करती है ना, तो ये जो टॉर्जनल फोर्स है उसको सहन करती है, इसलिए इसकी जो क्रॉस सेक्शन है वो नालीदार बनाई जाती है, यानी नाली की तरह बनी हुई होती है ये। इसके दोनों सिरों पर एक एक यूनिवर्सल जोड़, यूनिवर्सल जॉइंट लगा हुआ होता है, और कुछ केसेज में, जो कि आजकल सभी में ही ऐसा होता है, कि प्रोपेलर शाफ्ट में एक स्लिप जोड़ लगाया जाता है, जो कि हॉस्किस टाइप चालन की, जो हॉस्किस ड्राइव की जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है उसमें लगाया जाता है। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। यूनिवर्सल जोड़ क्यों लगाया जाता है? देखिए, इंजन, गियर बॉक्स, ये एक ऊंचाई पर लगे हुए होते हैं, और यदि इसी लेवल में ही हम पावर को सीधे ट्रांसफ़र करें तो पिछले पहियों की जो डिफरेंशियल गियर बॉक्स की हाइट है वो बहुत ज़्यादा होगी, और डिफरेंशियल गियर बॉक्स की हाइट ज़्यादा होने से पिछले पहियों की जो त्रिज्या है वो बहुत ज़्यादा होगी। इससे वाहन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊँचा होगा, और घुमाव वगैरह पर वाहन के जो मोड़ के दौरान पलटने की संभावना बढ़ जाएगी। तो वाहन का अधिकतम भार नीचे रखने, ताकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहे, उसके लिए क्या करते हैं कि गियर बॉक्स से पावर जो आगे ट्रांसफ़र करते हैं वो डिफरेंशियल गियर बॉक्स यदि नीचे रखा जाए तो उसको पावर एंगल पर ट्रांसफ़र कैसे करें? यूनिवर्सल जोड़ जो होता है वो गियर बॉक्स की पावर शाफ्ट से पावर लेकर के और यूनिवर्सल जोड़ तक पहुंचाने का काम प्रोपेलर शाफ्ट को ये उपलब्ध कराता है। इसकी सहायता से प्रोपेलर शाफ्ट एक एंगल पर भी पावर ट्रांसफ़र करने काम आती है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, यूनिवर्सल जोड़ जो है ये हुक प्रकार का यूनिवर्सल जोड़ है। इसमें ए और बी दो शाफ्ट के इंटरसेक्शिंग है, प्रत्येक शाफ्ट पर एक योक लगी हुई है, और क्रॉस जो सी से दिखाया गया है इसकी चार भुजाएं हैं। इनमें से दो आमने सामने की भुजाएं शाफ्ट ए की योक पर आलंबित होती है, और दूसरी दो भुजाएं हैं वो शाफ्ट बी की योक पर आलंबित होती है। इस प्रकार से शाफ्ट ए है वो एक्स एक्स एक्सिस के सापेक्ष घूम सकती है, और शाफ्ट बी है वो वाई वाई एक्सिस के सापेक्ष गतिशील हो सकती है। तो इससे ए और बी शाफ्टों का जो झुकाव है उसको ये हुक जोड़, जो यूनिवर्सल जोड़ है, ये संभव कर पाता है। संशोधित जो मॉडिफाइड हुक जोड़ है उनमें योक में जो क्रॉस है, इसकी भुजाओं में जो जोड़ है शाफ्ट के साथ, उसमें पिन रोलर बियरिंग्स लगाई जाती है, जिससे ये जोड़ की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी बढ़ जाती है। अब यूनिवर्सल जोड़ के बाद में प्रोपेलर शाफ्ट आती है। प्रोपेलर शाफ्ट जितना गियर बॉक्स से डिफरेंशियल गियर बॉक्स तक की दूरी होती है उतनी लंबाई के लिए प्रोपेलर शाफ्ट बनाई जाती है, और शाफ्ट जितनी ज़्यादा लंबी होती है वो उतना ही व्हिरलिंग ज़्यादा करती है, यानी ज़्यादा लंबाई दूरी होगी तो बीच में से वो कंपन करेगी, सीधी रेखा में नहीं रहेगी। तो उससे बचाने के लिए कई बार इनके बीच में बियरिंग्स लगा देते हैं, जिससे शाफ्ट की लंबाई कम हो सके और वो ज़्यादा व्हिरलिंग नहीं करे। अगले चित्र में दिखाया गया है कि प्रोपेलर शाफ्ट के दूसरे सिरे पर भी एक यूनिवर्सल जोड़ लगा हुआ है, और ये यूनिवर्सल जोड़ प्रोपेलर शाफ्ट से पावर लेकर के दूसरी शाफ्ट जो योक से आगे जुड़ी हुई है, ये डिफरेंशियल गियर बॉक्स में
पावर पहुंचाती है। यदि गियरबॉक्स से शाफ्ट प्रोपेलर शाफ्ट थीटा कोण पे झुकी हुई है तो आगे अगला जो यूनिवर्सल जोड़ जो प्रोपेलर शाफ्ट के दूसरे सिरे पर लगा है वो भी थीटा कोण से झुक करके डिफरेंशियल गियरबॉक्स में पावर ट्रांसफर करता है, जिससे मेन शाफ्ट ऑफ गियरबॉक्स और डिफरेंशियल गियरबॉक्स में जो शाफ्ट अंदर जा रही है ये दोनों पैरेलल होती है, हालांकि ये दोनों का लेवल जो है वो अलग अलग हो जाता है। यूनिवर्सल जोड़ की सहायता से ही ये प्रोपेलर शाफ्ट अलग अलग लेवल पर पावर ट्रांसफ़र करती है, यानी किसी कोण पर भी पावर ट्रांसफ़र करने का काम कर रही है। अब ये जो प्रोपेलर शाफ्ट है, ये प्रोपेलर शाफ्ट देखिए यूनिवर्सल जोड़ का दूसरा काम क्या है, क्योंकि यूनिवर्सल जोड़ कोण पे लगा हुआ है तो जब पिछले एक्सल जो है पहिए जब ऊंचे नीचे होते हैं सड़क के उबड़ खाबड़पन की वजह से, तो लगभग 18 डिग्री तक का जो ऊंचा नीचा होता है पहियों के ऊंचे नीचे होने से प्रोपेलर शाफ्ट की जो ऊंची होती है तो यूनिवर्सल जोड़ कुछ सीधा होता है, और यदि प्रोपेलर शाफ्ट ज़्यादा नीचे जाती है पहियों के खड्डे में जाने की वजह से तो फिर ये जो विचलन है प्रोपेलर शाफ्ट के ऊंचा नीचा होने से ये यूनिवर्सल जोड़ ही इसको सहन कर पाता है। लेकिन यदि एक लिमिट से ज़्यादा विचलन हो तो ऐसी परिस्थिति में जब पिछले एक्सल जो हैं वो सड़क की ऊंचाई नीचाई की वजह से अचानक खड्डा आने से एक तरफ खड्डा आने से ऊंचा या नीचा होने से या वाहन में मान लीजिए ज़्यादा भार दिया हुआ है जिसकी वजह से कमानियाँ दबती हैं और फिर अचानक किसी खड्डे में टायर जाता है तो कमानियों के कंपन की वजह से वाहन बार बार ऊपर नीचे होता है। वाहन के बार बार ऊपर नीचे होने से प्रोपेलर शाफ्ट की जो लंबाई है, यदि सॉलिड प्रोपेलर शाफ्ट लगाएंगे तो इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब सड़क के उबड़ खाबड़पन की वजह से पिछले एक्सल के ऊपर नीचे होने के कारण जो भी इफ़ेक्ट है, यदि वो लगभग 18 डिग्री के कोण तक ऊंचा नीचा होता है डिफ्लेक्शन, तो उसको यूनिवर्सल जोड़ सहन कर लेते हैं। लेकिन यदि इससे ज़्यादा विचलन होता है तो फिर प्रोपेलर शाफ्ट के टूटने की संभावना रहेगी, क्योंकि प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई फिक्स है, उसके दोनों सिरों पे यूनिवर्सल जोड़ लगे हुए हैं। और अब यदि उससे ज़्यादा मान लीजिए खड्डे में टायर अचानक चला गया, प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई से ज़्यादा एक्सल जब नीचे जाता है तो प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई कैसे बढ़ेगी, वो नहीं बढ़ेगी, और उससे प्रोपेलर शाफ्ट की टूटने की संभावना होती है। इसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए होचकिस टाइप ड्राइव में स्प्लिट जोड़ एक लगाते हैं, स्प्लिट प्रोपेलर शाफ्ट यानी टुकड़े में प्रोपेलर शाफ्ट बनाते हैं, और इन दोनों टुकड़ों को जोड़ने के लिए जो जोड़ होता है वो स्लिप जोड़ कहलाता है। स्लिप जोड़ इसलिए कहते हैं, जैसा चित्र में दिखाया है बाएं तरफ का जो सिरा है प्रोपेलर शाफ्ट के हिस्से का उसके बाहर की तरफ स्प्लिंट्स कटी हुई है, नाली कटी हुई है, जबकि दाहिने तरफ का जो प्रोपेलर शाफ्ट टुकड़े का हिस्सा है ये जो दिखाया है इसके अंदर छेद है, इस छेद में नालियाँ कटी हुई हैं। लेफ्ट वाले का आउटर डाया राइट वाले के इनर डाया के बराबर होता है, और लेफ्ट वाले की जो ये स्प्लिंट्स हैं ये राइट वाले के अंदर घुसी हुई होती हैं। जब पहिया ज़्यादा ऊंचे उठेगा तो दोनों पास में आएंगे और इससे ये प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई इस स्लिप जोड़ की वजह से कम हो जाएगी। लेकिन यदि पहिया अचानक खड्डे में जाता है एक्सल नीचे की तरफ जाता है तो उस परिस्थिति में प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई बढ़ेगी, ऐसे में ये दोनों प्रोपेलर शाफ्ट के हिस्से एक दूसरे पर स्लिप करके प्रोपेलर शाफ्ट की लंबाई बढ़ा देते हैं और इससे प्रोपेलर शाफ्ट टूटती नहीं है बल्कि एक समान रोटरी मोशन से आगे पावर ट्रांसफ़र कर रही होती है। तो ये फ़ायदा है स्लिप जोड़ का। तो ये अपना अध्ययन हुआ फाइनल ड्राइव का, ड्राइव लाइन में यूनिवर्सल जोड़ और प्रोपेलर शाफ्ट का।